हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं भगवान शिव, और शिव की आस्था, शिव के विश्वास के प्रतीक हम सब हिंदुओं के मन में है शिवलिंग। लेकिन नौवीं और दसवीं शताब्दी में मुगलों के आर्यावर्त और हिंदुस्तान आने के बाद, और सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी में अंग्रेजों के भारत आने के बाद, शिवलिंग को लेकर तरह तरह की बातें समाज में फैलने लगी। कुछ मुगलों ने और कुछ फिरंगियों ने शिवलिंग को भगवान शिव का लिंग अथवा गुप्तांग की संज्ञा दी, और दुर्भाग्य है कि बहुत सारे हिंदुओं ने भी इसको स्वीकार कर लिया। आज साइंस इन हिंदुइज्म के माध्यम से मैं आपको वास्तविक शिवलिंग का ज्ञान करवाऊंगा, दर्शन करवाऊंगा, और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि शिवलिंग वास्तव में क्या है, क्यों पवित्र है, क्यों पूजनीय है। परंतु एक निवेदन है आपसे, आप अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें और जाने कि देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का लिंग कितना पवित्र और कितना पावन है। और हाँ, साइंस इन हिंदुइज्म को सब्सक्राइब कीजिए, जिसे ऐसे बहुत सारे रहस्यों को आप अपना बना सकें। शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसे इसका गलत अर्थ निकालकर कुछ अन्य मजहबों ने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया, और कैसे आप इसका सही अर्थ जानकर और समाज को बताकर हिंदू धर्म का आदर स्थापित कर सकते हैं, यही आज का विषय है शिवलिंग। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, इसे देववाणी भी कहा गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। अब जैसे इसके उदाहरण के लिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, सूत्र। हिंदी में सूत्र डोरी और धागे के लिए प्रयोग किया जाता है, पर संस्कृत में सूत्र गणितीय सूत्र, वैज्ञानिक सूत्र, ब्रह्म सूत्र, नासदीय सूत्र इत्यादि, मतलब ज्ञान की भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे एक शब्द है अर्थ। अर्थ पैसे के लिए भी होता है, धन आदि के लिए होता है, अर्थ शास्त्र। और अर्थ का मतलब होता है इसकी मीनिंग बता दो, इसका मतलब बता दो। तो ये एक ही शब्द के दो भाषाओं में अलग अलग उत्तर, यही कारण शिवलिंग के संग जुड़ा। संस्कृत के शब्दों को, संस्कृत की भाषा को ना जानने का परिणाम ये हुआ कि लिंग को गुप्तांग समझ लिया गया, जबकि संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक, निशान, और जननेन्द्रियों का संस्कृत में अर्थ होता है, मतलब होता है शिशन, गुप्तांग। अर्थ को समझिएगा, लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, निशान और चिन्ह। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, शिव का चिन्ह, शिव का निशान। जैसे शिवलिंग है वैसे ही पुरुष लिंग है। पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक, पुरुष का निशान। अब आपने भाषा व्याकरण को अवश्य पढ़ा होगा। भाषा व्याकरण में एक शब्द आता है स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा व्याकरण में आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग अवश्य किया होगा। तो क्या स्त्री का भी लिंग होता है? यही भूल थी लिंग का अर्थ समझने और समझाने वालों की, और हमारे मानने वालों की। उस स्वार्थ के जाल में हम हिंदू कैसे फंस गए, इसका एक और प्रमाण है। बहुत सारी स्त्रियां शिवलिंग को स्पर्श नहीं करती, क्योंकि उनके मन में वही भ्रम भरा हुआ है कि ये शिव जी का लिंग है। अब प्रश्न ये होता है कि शिवलिंग है क्या, कैसे बना ये शिवलिंग, कैसे ये हमारे ऋषि मुनियों के मन में प्रश्न आया कि हम शिव के स्वरूप को लिंग में परिवर्तित करके पूजा और अर्चना करें। तो इसको भी हम आपको बताते हैं। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष, धुरी, एक्सिस ही लिंग है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। द यूनिवर्स इज ए साइन ऑफ शिवलिंगम।
शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत ना हो, आदि ना हो, मध्य ना हो, जो अंत से रहित हो वो अनंत, और ना ही जिसकी शुरुआत हो वो अनंत। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा की निर्मिति है, ऊर्जा से बनी है। इस प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक है। इन दोनों के मिलन होने से शिवलिंग बनता है। आपके मन में एक शंका जागी होगी कि शिव और पार्वती, शक्ति और शिव, प्रकृति और पुरुष, इनका मिलन शिवलिंग है। तो फिर वही बात है जो आपने सुनी थी, परंतु ये सच नहीं है। अब इस सच को समझाने के लिए मैं एक और कदम आपके साथ चलता हूं। हम योनि शब्द पर चर्चा करते हैं। मनुष्य योनि, पशु योनि, पेड़ पौधों की योनि, जीव जंतु की योनि, योनि का संस्कृत में जो अर्थ होता है वो है कि जीव अपने कर्म के अनुसार जब जन्म पाता है तो उसकी एक योनि बनती है। पर संस्कृत बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि मनुष्य में एक ही योनि है। स्त्री की योनि अलग नहीं है, पुरुष की योनि अलग नहीं है। जब दो, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति स्त्री की प्रतीक है, पुरुष पुरुष का प्रतीक है, ये दोनों जब मिलेंगे तब एक योनि बनेगी। यानी शिवलिंग को बनाते समय शिव और शक्ति मिले नहीं है, उन्होंने एक योनि का निर्माण किया है और ये योनि ही हमारे लिए पूजनीय बनी। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि शिवलिंग का निर्माण कैसे हुआ, कैसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जो विज्ञान की गहरी समझ रखते थे उन्होंने शिवलिंग का आकार, शिवलिंग की शेप का निर्धारण किया। मैं उसको आपको बहुत सरल शब्दों में समझाता हूँ, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात स्कंद पुराण कह रहा है कि आरंभ में ऋषियों ने दीपक की ज्योति पर ध्यान केंद्रित करके भगवान को पाने का प्रयास किया, परंतु ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता था क्योंकि हवा चलती थी, हवा में वो ज्योति टिम 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 हिलने लगती थी और ध्यान पटने लगता था। जब ऋषियों ने लंबी अवधि तक ध्यान में सफलता नहीं प्राप्त की तब उन्होंने उसका विकल्प ढूंढना आरंभ किया और दीप ज्योति का एक आकार पत्थर का बनाया और उसे शिवलिंग के रूप में स्थापित और मान्य किया। इस तरह से शिवलिंग वास्तव में दीपक ज्योति है। तो आप वायदा कीजिए कि आज के बाद शिवलिंग को लेकर आपके सामने कोई भी ऐसे वाहियात घटिया प्रश्न आएंगे तो आप उनका पुरजोर खंडन करेंगे, आप उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और गर्व से कहेंगे हम हिंदू हैं और हमारी संस्कृति सबसे अधिक गौरवशाली है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, आप स्वयं इसे लाइक कीजिए और साइंस एंड हिंदुइज्म को सब्सक्राइब कीजिए।